हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एडुटैप। सो गाइस, फटाफट सीरीज में आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर दोस्तों, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉपिक दिख रहा होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पार्ट वन होगा ये इसका। दो पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कोड। ओके, तो एज यूजुअल 10 क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो हमारा पार्ट टू था कोड ऑन वेजेस का, उसमें एक होमवर्क दिया था, पहले उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्वेश्चंस पे आएंगे। बिफोर गोइंग इन टू द क्वेश्चंस पार्ट गाइस, सक्सेस जो है वो आपके सामने है, जो ईपीएफओ ये एओ की 2021 के अंदर रही है। अराउंड 116 सिलेक्शंस जो है वो एडुटैप से हुई थी। सो अगेन, एडुटैप इज रेडी फॉर यू नो गेटिंग योर सिलेक्शंस डन इन टू द ईपीएफओ एग्जामिनेशन। यू जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड विद अस। ठीक है, आप कनेक्टेड रहें, यूट्यूब के ऊपर कनेक्टेड रहें, कोर्सेज वगैरह को एक्सप्लोर करें, एंड डेफिनेटली अगली बार यहां पर आपकी फोटो होगी जब हम पढ़ा रहे होंगे। ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये बेसिकली जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास के अंदर कोड ऑन वेजेस के पार्ट टू के अंदर आपको होमवर्क दिया था, फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर इन हाउ मच टाइम द बोनस हैज टू बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय एज पर द कोड ऑन वेजेस। तो अकाउंटिंग ईयर बेसिकली देखो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, 31 मार्च को इट इज सेड कि आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। तो जब आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, उसके क्लोज होने के कितने मंथ्स के अंदर जो भी इंप्लॉय का बोनस बनता है उस साल का, वो कितने मंथ्स के अंदर उसके अकाउंट में आ जाना चाहिए, ये सवाल था। ऑप्शन ए कहता है 3 महीने में आ जाना चाहिए, बी कहता है 6 महीने में, सी 8 मंथ्स, डी 12 मंथ्स। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर गैस वर्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर बच्चा गैस वर्क कर रहा है तो वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आता है तो ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इन दिस केस गाइस विल बी ऑप्शन सी, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बोनस जो है वो इंप्लॉय को पे करना है अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के, यानी कि इस 31 मार्च के क्लोज होने में। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 2022-23 का जो अकाउंटिंग ईयर है, ये 1 अप्रैल 2022 को शुरू होगा और 31 मार्च 2023 को खत्म हो गया। अब इस साल का जो बोनस है, ये विद इन नेक्स्ट 8 मंथ्स जो है वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए इंप्लॉय के। ओके, चलिए अब आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पे फॉर मंथली पेड वर्कर्स इज डन बाय टेकिंग द एवरेज वेजेस ऑफ द लास्ट। एवरेज पे का कैलकुलेशन का जो डेफिनेशन है, ठीक है, कोड के अंदर, उसमें अगर आप कोई मंथली पेड वर्कर, क्या हो गया, जिसको आप मंथ टू मंथ सैलरी दे रहे हो, ठीक है, हर महीने सैलरी दे रहे हो। हम कहते हैं ना भाई, डेली वेज वर्कर भी है, वीकली वेजेस के वर्कर भी है जिसको आप वीकली सैलरी दे रहे हो, और फिर मंथली भी आ जाता है। तो मंथली पेड वर्कर जो है, अगर इसकी आपको बोला जाए कि जी एवरेज पे कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेज का प्रोविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंपनसेशन के मैकेनिज्म जो है वो एवरेज वेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एवरेज वेज में आप कितने महीनों की सैलरी कंसिडर करते हो लास्ट। सो इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, ए है 2 मंथ्स, बी 3 मंथ्स, सी 4 एंड डी 6। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 मंथ्स, 3 महीने। ठीक है, 3 महीने जो है इसके अंदर आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। सो बेसिकली एवरेज पे क्या हो गया, एवरेज ऑफ द वेजेस। ठीक है, जो एवरेज हो गया, अब मंथली के केस में 3 मंथ्स। अब आप कहोगे कि क्यों एवरेज क्यों, अब हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर वर्कर की जो वेजेस है वो बड़े सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। 1 महीने में उसकी वेज 200 रुपए थी, ठीक है, फिर दूसरे महीने में 300 हो गई, तीसरे महीने में 400 हो गई। तो अब बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे हैं, जैसे बोनस का, प्रोविडेंट फंड का, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप एवरेज वे के ऊपर उसको कैलकुलेट करते हो। तो यहां पर तो तीनों महीने की अलग अलग है, तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी सैलरी लेनी है। तो उस केस में आप एवरेज वेज कैलकुलेट कर लोगे। आप क्या कर दोगे, इनको तीनों को ऐड कर दोगे, 200 प्लस 300 500 प्लस 400 900, और इसको डिवाइड बाय 3 कर दोगे। ठीक है, तो आपकी एवरेज क्या आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो इसके बेसिस पे फिर आप अपनी कैलकुलेशंस करोगे। वैसे ही वीकली पेड वर्कर्स के लिए 4 जो लास्ट 4 वीक्स है उसका एवरेज लेते हैं, डेली पेड वर्कर्स के लिए लास्ट 12 जो उसके फुल वर्किंग डेज थे उसका एवरेज लेंगे। ठीक है, तो 12 दिन की जो वेजेस है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग ही हो
अगर देखो अब 3 महीने की अगर 200 200 200 होती तो भी आना तो 200 ही था एवरेज फिर तो, ठीक है। ये तो इसीलिए एवरेज कैलकुलेट की जाती है अगर वेजेस अलग अलग है, ठीक है, ताकि वर्कर को इसमें किसी तरह का कोई लॉस ना हो। अब देखो यहां पर तो लास्ट पेड 400 था, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऐसे होती 400 प्लस 300 प्लस 200, और इंप्लॉयर कहता है कि मैं तो जो लास्ट तेरे वेजेस थे ना उस पे कैलकुलेट करूंगा, तो उसमें तो फिर वर्कर को लॉस हो जाता ना, इसीलिए ये एवरेज पे का मैकेनिज्म है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। एज पर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, क्वेश्चंस को और खुद करने की कोशिश करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देख करके मैंने क्वेश्चन समझा दिया, वीडियो को पॉज करो चाहे, और उसके बाद उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करो, तभी मैक्सिमम बेनिफिट होगा। एज पर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एन एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड एज लेड ऑफ, ले ऑफ, ठीक है, ले ऑफ का जो कंसेप्ट है, ठीक है, फॉर डे इफ नॉट गिवन वर्क विद इन हाउ मेनी आवर्स। ले ऑफ बेसिकली होता है क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं, जब एम्प्लॉयर के पास वर्कर को काम देने के लिए काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो फैक्ट्री है उसमें बिजली नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी का कट लग गया तो मशीनें नहीं चल पा रही, तो उसके पास वर्कर को काम देने के लिए काम नहीं है, तो वो क्या कंडीशन होती है, ले ऑफ की कंडीशन होती है, ठीक है जी। तो कोड कहता है कि अगर आप उसको कितने घंटे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 9 बजे का 9 AM का रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, मैं 9 बजे एज अ वर्कर अपने काम पर पहुंच गया, लेकिन इंप्लॉयर मेरे को काम नहीं दे पा रहा, तो कितने घंटे तक अगर वो मेरे को काम ना दे पाया उसके बाद मैं ले ऑफ वाले डेफिनेशन के अंदर आ जाऊंगा, दैट आई हैव बीन लेड ऑफ फॉर दैट डे। कितने आवर्स में, ऑप्शन है 1 आवर, B 2 आवर, C 3 आवर, D 4 आवर। वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर करने की कोशिश करो एक बार। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 आवर्स। तो 2 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 9 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, तो अगर उसने मेरे को 11 बजे तक काम नहीं दिया तो फिर मैं किस चीज में काउंट हो जाऊंगा, लेड ऑफ एम्प्लॉय में काम हो जाऊंगा, इंप्लॉयर के पास काम नहीं है देने को बेसिकली ले ऑफ के अंदर, ठीक है। ओके, तो एवरी वर्कर जिसका नाम इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के मस्टर रोल पे है, यानी कि वो परमानेंट एम्प्लॉय है और वो एस्टैब्लिशमेंट में प्रेजेंट भी है, आया है वो, ठीक है, वो 9 बजे पहुंच गया था जो उसका ड्यूटी का टाइम था, जो उसका नॉर्मल वर्किंग टाइम था, बट उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया एम्प्लॉयर विद इन 2 आवर्स, सो ही विल बी डीम्ड टू हैव बीन लेड ऑफ फॉर दैट डे। ये लेड की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, ठीक है, LAID आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस स्ट्राइक इंक्लूड्स द कंसर्टेड कैजुअल लीव ऑन अ गिवन डे बाय डैश परसेंट और एक्स परसेंट और मोर वर्कर्स इंप्लॉयड इन एन इंडस्ट्री। तो स्ट्राइक की डेफिनेशन के ये ऊपर क्वेश्चन है। तो स्ट्राइक बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कितने परसेंट वर्कर्स अगर एक साथ छुट्टी पर चले गए, जो आपका मास बंक का कंसेप्ट होता था ना कॉलेज में, कहीं ना कहीं ये वही वाला कंसेप्ट है। तो कितने परसेंट वर्कर्स अगर एक साथ छुट्टी पर चले गए, एक साथ सबको पेट दर्द तो होगा नहीं, एक साथ सबको बुखार तो होगा नहीं, ठीक है, तो उसको हम स्ट्राइक की डेफिनेशन में रखेंगे, 30%, 50%, 75% या नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इस केस में, कितने परसेंट वर्कर एक साथ छुट्टी पर चले गए? सो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50% या उससे ज्यादा वर्कर। यानी कि अगर एक इंडस्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं और एक साथ एक दिन ऐसा हुआ कि 50 या 50 से ज्यादा लोग, फॉर एग्जाम्पल 50 लोग एक साथ गायब हो गए, आए नहीं, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक साथ 50 के 50 को पेट में दर्द हो गया, तो दैट विल बी काउंटेड एज अ स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। ओके, सो स्ट्राइक की जो डेफिनेशन है क्या होता है, काम रोक दिया लोगों ने जो एक इंडस्ट्री के अंदर इंप्लॉयड है, एक्टिंग इन कोऑर्डिनेशन, जैसे आप मास बंक करते थे कॉलेज में, कोऑर्डिनेशन में करते थे ना, सबके पास मैसेज चला जाता था आज कॉलेज नहीं जाना। इट इंक्लूड्स कंसर्टेड कैजुअल लीव ऑन अ गिवन डे बाय 50% और मोर वर्कर्स, एक साथ 50% या उससे ज्यादा वर्कर गायब हो गए तो वो स्ट्राइक में आ जाएगा। ओके, चले फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। कंसीडर द फॉलोइंग, नंबर 1 वर्क्स कमिटी, नंबर 2 ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बाइपार्टाइट फोरम। आपको ये बताना है कि वर्क कमेटी और ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी में से बाइपार्टाइट फोरम क्या होता है। अब देखो, जिसको अगर बाइपार्टाइट फोरम की डेफिनेशन नहीं पता, ठीक है, वो वैसे ही नहीं इसको आंसर कर सकता। तो समझना सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि बाइपार्टाइट फोरम क्या होता है। बाइपार्टाइट फोरम देखो बेसिकली एक तरह का, आप इसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझो, टेबल के ऊपर इंप्लॉयर भी बैठा है और वर्कर भी बैठा है,
ये मिलकर के आपस में बैठ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा रहे हैं। बाइपार्टाइट का मतलब कि दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो ये बाइपार्टाइट फोरम हो गया। अब इसमें वर्क और ग्रीवियंस में से कौन सी है? ऑप्शन है वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ, डी नन। सिंपल सा आंसर होगा अब इसका, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। दोनों आपके बाइपार्टाइट फोरम के अंदर आते हैं। तो जो आपका कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है ना, इसके अंदर बाइपार्टाइट फोरम का जो है वो मैकेनिज्म है, जहां पर वर्कर्स और मैनेजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, कंसल्ट कर सके, ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो पीसफुल रहे। और दो तरह के बाइपार्टाइट फोरम्स का जो जिक्र है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में, उसमें सबसे पहले आपकी वर्क्स कमिटी है और दूसरे नंबर पर आपकी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। एज पर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, द एस्टैब्लिशमेंट विद मोर देन डैश और मोर वर्कर्स नीड टू हैव अ वर्क कमिटी। तो कोड के हिसाब से कितने वर्कर या उससे ज्यादा वर्कर अगर आपके इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में आपके पास काम कर रहे हैं, तो आपको वर्क कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए 50, बी 100, सी 150 या डी 200। कितने या उससे ज्यादा वर्कर्स होने पर आपको वर्क्स कमिटी बनानी पड़ती है? द राइट आंसर इन दिस केस इज गाइस 100। तो अगर एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में 100 से कम वर्कर्स हैं, तो वर्क कमिटी बनाना उनके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं पिछले 12 महीने के अंदर, अब जरूरी नहीं है कि आज जब मैं देख रहा हूं तब 100 होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आज की डेट में 90 ही हो, लेकिन आज से 2 महीने पहले 100 थे या 120 थे, ठीक है। तो इसके अंदर ना हम पिछले 12 मंथ्स में देखते हैं कि पिछले 12 मंथ्स में अगर किसी भी टाइम पर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स थे, तो आप फिर उसकी डेफिनेशन में आ जाओगे। ओके, सो वर्क्स कमिटी एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वेयर 100 और मोर वर्कर्स आर इंप्लॉयड और हैव बीन इंप्लॉयड इन द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, और इस कमिटी के अंदर इंप्लॉयर और वर्कर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अच्छा, किसी को कोई चीज समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दो, ठीक है। मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। कमेंट आप करें और आंसर आपका उसको मिल जाएगा। एज पर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इंप्लॉइंग डैश और मोर वर्कर्स शॉल हैव वन और मोर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। तो जैसे अभी हमने वर्क्स कमिटी में देखा कि 100 या 100 से ज्यादा वर्कर, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में कितने या कितने ज्यादा वर्कर होंगे, तो आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी जो है वो बनानी पड़ेगी। ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 50 या डी 100। तो दोनों के अंदर अलग अलग है, ठीक है। उसके अंदर 100 था, इसके अंदर कितना है दोस्तों? इसके अंदर 20। तो 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स अगर किसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में है, तो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी जो है वो फॉर्म करनी पड़ेगी। इसका भी मैकेनिज्म वही है, ठीक है। इसके अंदर भी वर्कर्स और इंप्लॉयर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगेन ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में कितने से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में कितने हो सकते हैं? ऑप्शन ए कहता है 5, ऑप्शन बी कहता है 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 5, 10, 15, 20। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। 10 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी के अंदर। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी के कुछ पॉइंट्स देख लो। 20 और मोर वर्कर्स है तो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी बनाना पड़ेगा ग्रीवियंसेस को रिजोल्व करने के लिए। इंप्लॉयर और वर्कर्स के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में 10 मेंबर हैं, तो 5 इंप्लॉयर के होंगे और 5 वर्कर के होने चाहिए। चेयरपर्सन जो है, जो मेंबर्स हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में के, उन्हीं में से चुना जाएगा, लेकिन रोटेशनल बेसिस पे, यानी कि एक साल चेयरमैन जो होगा वो इंप्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव में से होगा और एक साल जो चेयरमैन होगा वो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव में से होगा, ताकि इक्वल जो है इक्वालिटी बनी रहे उसके अंदर। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में से। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्लाइड के अंदर दोस्तों, सबको ध्यान में रखना है। 20 या 20 से ज्यादा वर्कर हैं तो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी बनाना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन सेम होगी वर्कर्स की और इंप्लॉयर्स की। चेयरमैन जो है वो रोटेशनल बेसिस पे, एक साल इंप्लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव, एक साल वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव चेयरमैन बनेगा। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोड के हिसाब से
अगर आपको अपनी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए साइन करने के लिए वो कितने हैं? 7, 12, 18, 24 मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उससे कम हुए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 7, 12, 18, 24 सो यहां पर आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए 7, ठीक है? जो भी पुराने एक्ट्स हैं ट्रेड यूनियन से रिलेटेड उसके अंदर भी 7 ही था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है? तो 7 लोग मिनिमम चाहिए अगर आपको एक ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। नाउ दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन गाइस, एंड होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो ध्यान से पहले समझ लेंगे। तो कहता है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हिसाब से कोई भी ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स रजिस्टर नहीं हो सकती अंटिल एंड अनलेस एटलीस्ट डैश परसेंट ऑफ वर्कर्स और डैश वर्कर्स, एक जगह एक्स है, एक्स है एक्स परसेंट यानी कि परसेंटेज में है, और वाई वर्कर्स यानी कि ये नंबर में है, ये परसेंटेज में है ये नंबर में है, विच एवर इज लेस एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री विच इट इज कनेक्टेड आर द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी ट्रेड यूनियन वो जाकर के एप्लीकेशन नहीं कर सकती या वो अप्लाई नहीं कर सकती जब तक जिस इंडस्ट्री के लिए वो अप्लाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स वाई जेड इंडस्ट्री है और एक ट्रेड यूनियन जाकर के कह रही है कि हमें, हम ये एक्स वाई जेड की ट्रेड यूनियन है, हमें रजिस्टर होना है, तो एक्स वाई जेड में कम से कम एक्स परसेंट ऑफ वर्कर्स यानी कि टोटल का इतने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स उनके मेंबर होने चाहिए या एक नंबर ऑफ वर्कर्स उनके मेंबर होने चाहिए तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 10, 100 यानी कि 10% 100 वर्कर्स, बी 10% 50 वर्कर्स, सी 20% 100 वर्कर्स एंड डी 10% 200 वर्कर्स, यानी कि मिनिमम कितनी मेंबरशिप उस यूनियन की होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। ओके, ऑलराइट, सो ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों डिस्कस कर लेंगे। एंड विद दिस गाइज वी आर डन विद द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और एपीएफसी ईओ एओ के कोर्सेज एक्सप्लोर करने का अभी सबसे सुनहरा मौका है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेस्ट सीरीज प्लस मास्टर पैक, जो आपको अपनी नीड के हिसाब से अच्छा लगता है आप उसको एक्सप्लोर करें एंड डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आपकी आएगी। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर गाइज। एट कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मेल कर सकते हो, ठीक है? आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर भी अगर आप अपनी क्वेरी पोस्ट करोगे उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, कीप स्टडिंग हार्ड, डेफिनेटली यू विल सक्सीड, बाय।